हम लखनऊ की तारीख़ी इमारत शहीद स्मारक पे खड़े हैं। ये हिंदुस्तान के शहीदों की जो जंग आज़ादी में शहीद हुए थे उनकी याद में बनाई गई थी, और यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है शिया मसलक की तरफ से जन्नतुल बकी जो सऊदी अरब में था उसके मुनदिम किए जाने के लिए। 93 साल पहले रसूल की बेटी के रोज़े को वहाँ पर मुनदिम कर दिया गया, और आज तक वहाँ पर तामीर नौ के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। यहाँ पर कसीर तादाद में शिया उलमा अवाम और ज़ाकिरीन शोरा मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब हैं जो पूरी दुनिया का मुसलसल सफ़र करते हैं, लोगों से तबादला ख्याल करते हैं और बात करते हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उन्हीं ने जो सफ़र किए हैं उसमें यकीनन कहीं ना कहीं बकी के सिलसिले में भी दूसरे मुल्कों के उलमा से और मोमिनीन से बात हुई होगी, उनके तासुरात क्या हैं इस सिलसिले में। ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब, आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और जाहिर सी बात है कि सफ़र के दौरान मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती होगी, मुख्तलिफ उलमा से मुलाकात होती होगी, उनसे भी कभी बकी के सिलसिले में भी तस्करा होता होगा, उनके क्या तासुरात हैं? आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, और जगहों पर क्या ख़बरें हैं और क्या इत्तलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जन्नतुल बकी ये उसका एहतजाज उस इन्हदाम की यादगार है कि जो आज से तकरीबन जो है वो 100 साल होने आ रहे हैं कि आले सऊद जब बरसरे इख्तदार आए और मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब के तवस्सुस से इन दोनों में आपस में बंटवारा ये हुआ था कि हुकूमती मामलात में मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, और बादशाह ने सऊदी अरबिया जो अपने को कहते हैं आले सऊद, उन्होंने कहा कि हुकूमत के दीनी मामलात में हम नहीं बोलेंगे हुकूमती मामलात में। इसी के तहत जो है, और ये दोनों जो थे वो इस्तेमार के एजेंट थे, इनको अंग्रेज़ों ने बनाया था और ये ब्रिटिश की देन है, और उसके बाद इन्हीं लोगों ने जो है वो जन्नतुल बकी के रोज़े को मुनहदिम किया, उठाया, डिस्ट्रॉय किया। जन्नतुल बकी में क्या है? जन्नतुल बकी ये कब्रिस्तान नहीं है बल्कि शायर इलाहिया में आता है, और कुरान मजीद कह रहा है कि वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब। जो लोग शायर इलाहिया का एहतराम करते हैं ये उनके दिल की पाकिजगी और तहारत की दलील है। लिहाजा शायर इलाहिया जैसे सफ़ा मरवा काबिल एहतराम है, जैसे हजर मकाम हजर इस्माइल काबिल एहतराम है, जैसे हजर अस्वद काबिल एहतराम है, वैसे ही जन्नतुल बकी का के कब्रिस्तान में जहाँ रसूल की बेटी जनाब फ़ातिमा दफन है, जहाँ रसूल के नवासे इमाम हसन दफन हैं, जहाँ रसूल ही के ख़ानदान के इमाम हसन के भाई के बेटे भतीजे इमाम सज्जाद दफन है ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और वहीं पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते दफन हैं, और वहीं पर जनाब इमाम मोहम्मद जाफर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परपोते हैं दफन हैं, और उसके अलावा सबसे पहले यहाँ रसूल के चचा, रसूल की फूफी और अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा जनाब उम्मुल बनीन जनाब अब्बास की वालिदा दफन है। तो ये रोज़ा जो है वो मुक़द्दस लोगों का रोज़ा था, यहाँ पर बनाया गया था। पूरी दुनिया में शुहदा की यादगार बनाई जाती है, देश के लिए मरने वालों की शहीद होने वालों की यादगार बनाई जाती है। तो ये वो शख्सियतें हैं कि जिन्होंने दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए क़ुरबानी दी है, ये उनके मज़ारात हैं, उनके रोज़े हैं, और सारी दुनिया एहतराम करती थी। हैं तकरीबन जो है वो 1200 साल तक जो है वो इसका एहतराम रहा है, इस मरकत का, इस रोज़े का और इस शायर इलाहिया का। लेकिन सऊदी अरबिया ने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो आते हैं शिया और इसमें जो है वो एहतराम करते हैं, तो लिहाजा जालिमों के जुल्म से पर्दा उठेगा, इसलिए उन्होंने इसको जो है वो हमने अच्छा आपने अपने मुल्क में तो जो ढाया ही ढाया, लेकिन करबला मौला पर भी अब्दुल वहाब ने हमला किया और करबला मौला में रोज़े के ऊपर जो है वो तामीर पर जो है हमला किया। 25,000 शिया तकरीबन वहाँ करबला मौला में इन्होंने कत्ल किए। नजफ़ का रोज़ा, इनका नज़रिया वही है कि जो आज दाइश का नज़रिया है। दाइश ने भी यही बात कही थी कि हम जो है वो मतलब ये कि मक्का इराक़ में और ईरान में जो भी यादगारें हैं उनको जो है मुनहदिम करेंगे। तो ये सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये चाहते हैं कि किसी सूरत से ये मदार, असल में मामला क्या है, ये जुल्म पे पर्दा डालने के लिए ये रोज़े ढाले गए हैं, ये जुल्म को छुपाने के लिए कि ताकि ना मज़लूम एक जगह जमा होंगे, ना मज़लूम एक जगह आएंगे, ना मज़लूम फरियाद करेंगे, ना मज़लूम आकर वहाँ पर। भाई जो मज़ारात में जाते हैं वहाँ क्या करते हैं? लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, दुआएँ पढ़ते हैं,
और वहाँ पर हर जगह कोई मातम व मजलिस ही नहीं होता है, मातम मजलिस भी करते हैं वो हमारे अकीदे के मुताबिक हम करते हैं, तो आपको क्या है, ना वहाँ कोई वायलेंस होता है, ना वहाँ कोई टकराव होता है, ना वहाँ कोई बिदत काम हो, बिदत वाले काम होते हैं, ना हराम कोई काम होता है, सब शरीयत के दायरे में वहाँ पर इत्या। हम जहाँ जहाँ भी दुनिया में गए वहाँ वहाँ भी जो है वो चाहे वो शिया हजरात तो करते ही हैं एहतजाज, अहले सुन्नत में जो बरेलवी हजरात हैं, हनफी हजरात हैं, वो भी इन रोज़ों के ढाए जाने के सख्त मुखालिफ हैं, वो भी एहतजाज शरीक है। वाशिंगटन में भी आज एहतजाज हो रहा है और उसके अलावा लंदन में भी आज एहतजाज हो रहा है, पेरिस में भी एहतजाज हो रहा है और उसके अलावा शंगन ममालिक जितने हैं यूरोप के, जहाँ जहाँ भी जो है वो मुसलमान और शिया और ख़ास कर शिया आबाद हैं वहाँ वहाँ एहतजाज होता है, उसमें जो है वो बरादरान अहले सुन्नत भी शरीक होते हैं और वो इस जुल्म बरबरीत के ऊपर लानत करते हैं। सऊदी ख़ानदान की हिस्ट्री अगर आप देखना है तो यूट्यूब पे आप इनकी जो है वो हिस्ट्री तलाश कीजिए, शराब ये पीते हैं, जुआ ये खेलते हैं, काजिनोज में ये जाते हैं, हैं जुल्म बरबरीत ये करते हैं, ये वही आले सऊद है कि जिसने खाशुखजी को टर्की में अपनी सफारत के अंदर जुल्म बरबरीत से अपने शहरी को और अपने ख़ानदान के फैमिली डॉक्टर के बेटे को बेरहमी से गोश काटने वाली आरी से जो है वो लाशों के टुकड़े कर दिए, 100-150 टुकड़े। इसके बाद इसी तरीके से क्या कहते हैं नासिर सईद जो मदीने के रहने वाले थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी तारीख आले सऊद, वो पढ़ने वाली किताब है, उसमें इनका कच्चा चिट्ठा और उसमें इसमें इनके तमाम कैरेक्टर जो है वो इनका मौजूद है और तस्वीरों के साथ मौजूद है। दुनिया द हाउस ऑफ आले सऊद और तारीख़ आले सऊद पढ़े तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये सऊदी अरबिया का ये ख़ानदान जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, आले सऊद जिनको कहते हैं, वो कितने बरबरीत और कितने जालिम और कितने क्रूलर हैं और कितने लोगों को इन्होंने घर उजाड़े, कितने लोगों को कत्ल किया। ये इल्म के भी दुश्मन हैं, ये तकवा परहेजगारी के भी दुश्मन हैं, ये इबादतों के भी दुश्मन हैं और ये किसी ये इंसानियत के भी दुश्मन हैं। इनको ये इस बात ये इनको इंसान कहना भी जो है वो तौहीन है इंसानियत की, लिहाजा जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो जुल्म पर लानत न करे आप, जो जुल्म पर लानत न करे आप नहीं है, जो जुल्म का मुनकिर है वही मुनकिर दीन है।